हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बैंकिंग सूत्र चैनल और मैं आप सबसे पहले आज सभी लोगों को, सभी व्यूअर्स को, हमारे सभी फ्रेंड्स को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई करना चाहता हूं। और आज हम इस चैनल में, अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट के कंसेप्ट के बारे में। एक्चुअली हमारा एम है कि जितने भी बैंकिंग के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उनके कुछ कंसेप्चुअल वीडियोज बनाए जाए जो कि समझना जनरली मुश्किल होता है हमारे व्यूअर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर और डिस्कस करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट क्या चीज है बैंकिंग के फील्ड में। तो सबसे पहले गाइस, लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये लेटर ऑफ क्रेडिट? जनरली इशू करता है बैंक ट्रेड और कॉमर्स के लिए, ट्रेड और कॉमर्स को चलाने के लिए जनरली लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल होता है। और ये दो पार्टीज के बीच में होता है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल, दोनों ही लेवल पे इसका यूज होता है। मतलब डोमेस्टिक लेवल पे भी ट्रेड और कॉमर्स के को फैसिलिटेट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो और इंटरनेशनल लेवल पे भी। और ट्रेड से हमारा मतलब है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, याद रखिएगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बैंक का रोल कहाँ है, तो बैंक इसमें इंटरमीडियरी रोल प्ले करता है, मीडिएटर का रोल प्ले करता है टू ट्रेडिंग पार्टीज के बीच में, मतलब इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर के बीच में इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है। खास तौर पे तब जब इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हमारे दो डिस्टेंट प्लेसेस में दूर बैठे हों। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसको नॉन फंड बेस्ड लेंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए नॉन फंड बेस्ड लेंडिंग के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो दो एग्जाम्पल्स हैं, एक तो लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे हम एलसी बोलते हैं, जिसे हम एलसी बोलते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल होता है हमारा बैंक गारंटी बीजी। इसके इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डिस्कस करूंगा डिटेल में कि बैंक गारंटी क्या चीज होती है, क्यों दी जाती है। तो नॉन फंड बेस्ड लेंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब लेंडिंग बैंक कभी भी फिजिकल आउटफ्लो ऑफ फंड के लिए कमिट ना करे, मतलब एक्चुअल फिजिकल आउटफ्लो ऑफ फंड ना हो, मतलब जो आपका मनी है, जो आपका फंड है जिसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिस फंड की बात हो रही है, वो फिजिकली ट्रांसफर ना हो, ठीक है, और जो फंड पोजीशन है लेंडिंग बैंक की वो इंटैक्ट रहे, तब हम बोलते हैं इसको नॉन फंड बेस्ड लेंडिंग। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, क्यों इसे नॉन फंड बेस्ड लेंडिंग कहते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है एलसी का कि जनरली बहुत से बैंकर्स को भी इसका कंसेप्ट स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है। और जो एक एग्जाम होता है जेआईबी का बैंकर्स के लिए, उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एलसी का, उसमें भी ये कंसेप्ट आता है और हमें जनरली नहीं समझ में आता, ठीक है। और इवन आप आईबीपीएस के एग्जाम्स में भी देख रहे होंगे, अब थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस डिटेल में आने लगी है, फोकस्ड बैंकिंग अवेयरनेस आने लगी है, जिसमें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बैंकिंग के जो टर्म्स हैं, उनके कंसेप्ट्स हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट का। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट इसके कंसेप्ट के बारे में, कहां से इसकी रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, क्या इसका बेसिक इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कि हमारे इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर हैं, ये इंडिया के जो आप देख रहे हैं सरदार जी, ये एक एक्सपोर्टर हैं जो अपना कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं, और ये इंपोर्टर हैं हमारे, ठीक है, किसी भी कंट्री के हो सकते हैं ये मान लीजिए ये यूके के हैं, ठीक है, ये हमारे इंडिया के एक्सपोर्टर हैं जो भी कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इनको करना था इंपोर्ट कारपेट, ठीक है। तो दो कंडीशन अराइज होंगी, पहली जो हमारे एक्सपोर्टर जी हैं भारत के, उनके मन में डाउट होगा कि जो इंपोर्टर है वो क्या एक्चुअल में पेमेंट कर देगा डिलीवरी होने के बाद, यहां से मैंने डिलीवरी तो कर दी, मैंने तो एक्सपोर्ट अपने मटेरियल को कर दिया,
लेकिन क्या मुझे टाइम पे डिलीवरी मिलेगी या मुझे डिलीवरी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि ये तो बंदा है यूके में बैठा, क्या गारंटी है मैं इसको अगर एक्सपोर्ट कर दूं तो ये मुझे पेमेंट कर दे। ठीक है, ये बहुत बड़ा डाउट उसके मन में अराइज होता है। नेक्स्ट जो इंपोर्टर के मन में अराइज होगा कि भाई जो भी मैन्युफैक्चरर है, मैंने एक बार उसे पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो क्या वो बंदा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन करेगा, मतलब जो क्वालिटी वो साइट पे या मुझे पेमेंट होने से पहले बता रहा है कि भाई ये मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटीज हैं, वो मेंटेन करेगा, और क्या वो टाइम पे शिपमेंट कर देगा अपने प्रोडक्ट की पैसा मिलने के बाद। ऐसा तो नहीं करेगा कि भाई मैंने तो आज कल पैसा दे दिया उसके अकाउंट में और मुझे महीने भर तक सामान ही ना है, वो कह दे भाई मेरे स्टॉक में नहीं है। तो ये चीजें जब डाउट्स दोनों के बीच में अराइज होते हैं, यहां से कंसेप्ट जनरेट होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। तो इन दोनों के लिए एक कोई ऐसा मीडिएटर बंदा होना चाहिए जो इस एक्सपोर्टर को आश्वासन दे कि ना भाई तू एक्सपोर्ट कर बिंदास, तुझे मैं पेमेंट कर दूंगा, तुझे पेमेंट की तू टेंशन ना कर, तुझे पेमेंट हो जाएगा उसकी तरफ से, एक्सपोर्टर की तरफ से। और एक्सपोर्टर को इंपोर्टर की तरफ से आश्वासन मिले, कंफर्मेशन मिले कि भाई तू बस एक बार पैसा भेज दे, तेरा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मेंटेन होगी और शिपमेंट टाइम पे होगा। तो यहां पे आता है रोल बैंक का, जो मीडिएटर का रोल प्ले करता है और लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या करता है, इश्यू करता है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, कुछ कॉमन सेट ऑफ रूल्स हैं जो इशू होते हैं, जिसको फॉलो करने होते हैं इंपोर्टर को भी और एक्सपोर्टर को भी। ठीक है, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्या। ये मैंने आपको मोटा मोटी कंसेप्ट बता दिया, अब एक्चुअल आउटफ्लो हम देखते हैं, एक्चुअल साइकिल देखते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है। तो ध्यान से देखिएगा इस साइकिल को, अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो आप कभी भी आजीवन लेटर ऑफ क्रेडिट के इस साइकिल को देखने के बाद आप कभी भी लेटर ऑफ क्रेडिट के कंसेप्ट को भूलेंगे नहीं, हमेशा आपके दिमाग में वो कंसेप्ट इस इमेज के फॉर्म में छप जाए। तो जैसे कि हमने बात करी थी, इंपोर्टर जिसको हम बायर भी कह सकते हैं और एप्लीकेंट कह सकते हैं एलसी का, और ये एक्सपोर्टर जिनको अपना माल एक्सपोर्ट करना है, जैसे हमने बोला कारपेट, इनको हम सेलर भी बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि भाई हाँ मुझे तेरा ही प्रोडक्ट खरीदना है। जो इंपोर्टर है वो सबसे पहले ये एग्रीमेंट करता है। जैसे ही ये इंपोर्टर एग्रीमेंट करता है, ये क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन करता है अपने बैंक में, और वो जो इंपोर्टर का बैंक होता है, बायर का जो बैंक होता है, उसको हम बोलते हैं इश्यूइंग बैंक। याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी टर्म्स आएंगे, पार्टीज आएंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझ। तो जो बायर का बैंक होगा वो होगा इश्यूइंग बैंक। अब इसने एप्लीकेशन करी एलसी की, बैंक क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, कॉमन सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि फॉलो करनी है एक्सपोर्टर को भी और इंपोर्टर को भी। ठीक है, ये क्या करेगा इश्यूइंग बैंक, इसकी कंट्री, मतलब अब इंपोर्टर को नहीं पता, इंपोर्टर के बैंक को, कि जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो एक्सपोर्टर का बैंक कौन सा है। ठीक है, मतलब भारत में जो ये, मान लीजिए इश्यूइंग बैंक कोई भी हो सकता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, मान लीजिए बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसको नहीं पता कि जो ये एक्सपोर्टर है जिसका सामान इसको खरीदना है उसका कौन सा बैंक है, तो वो क्या करेगा, अपनी नॉलेज से भारत में किसी भी एक बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर देगा। और ये जो बैंक होगा भारत में, जो लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव करेगा इसकी, इसको हम बोलेंगे करेस्पोंडेंट बैंक। ठीक है, अब ये जो करेस्पोंडेंट बैंक है, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी रैंडम बैंक भी हो सकता है, और हो सकता है ये एक्सपोर्टर का ही बैंक हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये एडवाइस करेगा एलसी, इसको एलसी यहां से रिसीव हुई इशूइंग बैंक से, ये क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइस करेगा कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन तुझे फॉलो करनी है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम करेस्पोंडेंट बैंक को एडवाइसिंग बैंक भी बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होगा, जैसे इसको एडवाइस हो गया कि भाई हाँ तुझे एलसी मैंने एडवाइस कर दी, उसने देख लिया हाँ भाई ये जेन्युइन बंदा है, ये मुझे एलसी इशू कर रहा है, बैंक के थ्रू बैंक मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है इसमें, तो ये क्या करेगा गुड्स को शिफ्ट कर देगा। अब यहां पे कुछ चीजें क्लैरिफाई करने वाली वो ये है, ये करेस्पोंडेंट बैंक एक्सपोर्टर का ही बैंक हो सकता है, या फिर यहां से इसे एलसी मिली, अब इसे नहीं पता ये भाई ये कौन बैंक है, मान लीजिए कोई रैंडम बैंक है जो इसका बैंक नहीं है, ठीक है, इसने इसे एडवाइस करा एलसी, तो ये क्या कर सकता है कि थर्ड बैंक को इंक्लूड कर सकता है कि भाई मैटर है पैसे का, भाई मैं पैसे के गुड्स तो शिप कर दूंगा, लेकिन हो सकता है रैंडम बैंक है, फर्जी एलसी हो सकती है, तो फॉर सिक्योरिटी रीजन ये एक थर्ड बैंक को इंक्लूड कर सकता है इस ट्रांजेक्शन में और उससे कंफर्म करा सकता है अपनी एलसी को कंफर्म, तो वो बैंक क्या हो जाएगा कंफर्मिंग बैंक, ये भी एक पार्टी इसमें इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन होता है। अब क्या हुआ, गुड्स को इस बंदे ने लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू होते ही भाई देख लिया ये जिन्होंने बंदा है, गुड्स को शिप कर दिया, और उसके बाद क्या करा, गुड्स शिप करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने इस करेस्पॉन्डेंट बैंक को जिसने एडवाइस करा था एलसी या जहां से इसने कंफर्म कराया था, उसको ये डॉक्यूमेंट्स मतलब इसमें क्या होंगे, बिल्स ऑफ लेडिंग होंगी, शिपमेंट रिसिप्ट होंगी, एक्चुअल बिल्स होंगे जिसको देके वो रिसीव करेगा, ठीक है, वो ये कहां करेगा, वो अब ये पार्टी को नहीं देगा, वो ये जिसने इसको एलसी इशू करी है उस बैंक को ये दे देगा, और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वैसे ही इसको रिइंबर्समेंट हो जाएगा बैंक की तरफ से, क्योंकि डॉक्यूमेंट दे दिए मतलब एक बार आपने क्या करा, आपने गुड्स एक्चुअल दे दिए, अब आपको पैसा मिलना है, तो उसने पैसा बैंक ने इसको दे दिया। अब आगे का ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि ये जो करेस्पॉन्डेंट बैंक है ये डॉक्यूमेंट्स उसकी कंट्री के बैंक को जो इश्यूइंग बैंक है जहां से एलसी ओरिजिनेट हुई थी वहां फॉरवर्ड कर देगा, जैसे ये डॉक्यूमेंट वहां फॉरवर्ड हुए उस बैंक ने इस बैंक को रिइंबर्स कर दिया, ठीक है, उस बैंक ने इस बैंक को रिइंबर्स मार दिया, मतलब उसने डॉक्यूमेंट मिलते ही पैसा दे दिया। तो आपको याद रखिए लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या है, डॉक्यूमेंट मिला बिल्स मिले और आपने पैसा उसको देना है। नेक्स्ट इश्यूइंग बैंक ने क्या करा, इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट दे दिए, क्योंकि ये पहले ही रिइंबर्स कर चुका है, अब इसको वसूली करनी है, अब इस बैंक को क्या करना है वसूली करनी है, तो ये क्या करेगा डॉक्यूमेंट्स देते ही अब इंपोर्टर से पैसा ले लेगा और यहां पे आपका जो है एक्चुअल एलसी की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ये है पूरा एलसी का ट्रांजेक्शन, ये है पूरा लेटर ऑफ क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअल में चीज क्या है, मतलब ये किस तरह का डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन होती है और इसको गवर्न करता है यूसीपीडीसी, यूसीपीडीसी ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, और इसको इश्यू करता है आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब ये यूसीपीडीसी है क्या, ये एक्चुअल में क्या है, ये कॉमन सेट ऑफ रूल्स हैं, कॉमन रूल्स हैं जो कि दोनों ही पार्टीज को, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं इनमें एलसी के ट्रांजेक्शन में, उनको वो कॉमन सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कंप्लाई करने होते हैं, और ये जो रूल्स हैं ये रिवाइज्ड होते हैं टाइम टू टाइम, और जो इसके वर्जन नए नए निकलते हैं और जो एग्जिस्टिंग में करंट टाइम में यूज हो रहा है यूसीपीडीसी का वर्जन वो है यूसीपीडीसी 600, ठीक है। तो ये जो मतलब रूल्स हैं, जिस रूल्स को फॉलो करने, जो टर्म्स एंड कंडीशन है एलसी की, क्योंकि ये एक्सपोर्ट का मामला है, दूसरी कंट्री से ट्रांजेक्शन का मामला है, तो ये जो रूल्स हैं ये ग्लोबल लेवल के रूल्स हैं और ये दोनों ही पार्टीज को, ये दोनों ही कंट्रीज की पार्टीज को कंप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये है एक्चुअल लेटर ऑफ क्रेडिट। अब कुछ डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती है, एक बार देख लेते हैं पार्टीज इन एलसी ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले मैंने बोला एप्लीकेंट, जो कि कौन होगा, बायर होगा और इंपोर्टर होगा, ठीक है।
जो कि टर्म्स एंड कंडीशन परचेज करने के लिए फाइनलाइज करेगा, एप्लीकेशन करेगा, रिक्वेस्ट करेगा बैंक में कि एलसी इश्यू करने की इन फेवर ऑफ सेलर एक्सपोर्टर। बेनिफिशियरी कौन होगा? बेनिफिशियरी वही पर्सन होगा जो एक्सपोर्टर होगा, जो जिसके फेवर में लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यूड होगा, ठीक है। और ये जनरली सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, मतलब एक्सपोर्टर। नेक्स्ट पार्टी आती है आपकी इश्यूइंग बैंक, जिसको हम ओपनिंग बैंक भी बोलते हैं। ये बैंक किसका बैंक है? बायर का, इंपोर्टर का, जिसको जो रिक्वेस्ट कर रहा है एलसी के लिए, और जो जहां से सबसे पहले एलसी इश्यू होगी वो हमारा होता है इश्यूइंग बैंक और ओपनिंग बैंक। वही एडवाइसिंग बैंक मैंने आपको बताया, इश्यूइंग बैंक जब एलसी इश्यू करके दूसरी कंट्री के बैंक को देता है तो बोलता है कि भाई तुम एडवाइस करो मेरी एलसी को अपने इस पर्टिकुलर सेलर को, इस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर को, तो वो बैंक क्या हो जाता है? एडवाइसिंग बैंक हो जाता है। इसका कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट आपकी पार्टी आती है कंफर्मिंग बैंक। अब यहां पे अगर जो हमारा एक्सपोर्टर है जिसको पैसा मिलना है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? एक बार कंफर्म कर सकता है कि भाई ये जेन्युइन पार्टी है कि नहीं, तो इसके लिए वो एक थर्ड बैंक को इंक्लूड कर सकता है, बेनिफिशियरी जो है थर्ड बैंक को इंक्लूड कर सकता है, जहां से वो ये कंफर्म करा सकता है ये जो एडवाइस हो रही है एलसी मुझे, ये जेन्युइन है कि नहीं। तो उस केस में वो जो थर्ड बैंक वो क्या होगा? कंफर्मिंग बैंक। नेक्स्ट है आपका नॉमिनेटेड और नेगोशिएटिंग बैंक। ये वो बैंक हो सकता है, ये नॉमिनेटेड बैंक होता है जब इश्यूइंग बैंक जहां से एलसी ओरिजिनेट हुई है वो नॉमिनेट करे बेनिफिशियरी की कंट्री में एक पर्टिकुलर बैंक को, और उससे बोले कि भाई तू जो है ना इसको डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर और पेमेंट ले एलसी के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे नॉमिनेटेड बैंक और नेगोशिएटेड बैंक। मतलब अगर इश्यूइंग बैंक बोले कि भाई तू जो है इसकी कंट्री में, जैसे इश्यूइंग बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ इंग्लैंड था। वो अगर बोले भारत में पीएनबी से फॉर एग्जांपल कि तुम अपने एक्सपोर्टर को बोलो कि भाई तू जो है डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करके, तुझे वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके एक्सपोर्टर अपना पेमेंट ले ले, मतलब तू क्या कर, नेगोशिएट कर, तो ये बैंक क्या हो गया जो नॉमिनेट हुआ इश्यूइंग बैंक के का, इश्यूइंग बैंक के द्वारा, इसको हम और क्या बोलेंगे? नेगोशिएटेड बैंक, ठीक है। और इसको कौन अपॉइंट करेगा, कौन इसको नॉमिनेट करेगा? इश्यूइंग बैंक, याद रखिएगा। अब लास्ट जो पार्टी बची वो रिइंबर्सिंग बैंक बचा। अब यहां पे एक और चीज हो सकती है, जो इश्यूइंग बैंक है आपका, मतलब जो इंपोर्टर का बैंक है, वो अनदर बैंक को अरेंज कर सकता है, एक और बैंक को पिक्चर में ला सकता है, एक फिफ्थ बैंक को मे बी, और उससे कह सकता है कि भाई तुम क्या करो, रिइंबर्स करो अमाउंट एलसी के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल पेमेंट का रिइंबर्समेंट है, एक्चुअल जो पेमेंट है उसके लिए एक और पर्टिकुलर बैंक को अपॉइंट कर सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रिइंबर्सिंग बैंक, ठीक है। तो ये है एक्चुअल कंसेप्ट एलसी का। आई होप आपको समझ में आया होगा लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, कैसे इसकी ट्रांजेक्शन होती है, क्या इसकी साइकिल है। और नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कितने प्रकार की लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, मतलब हाउ मेनी टाइप्स कितने प्रकार के हैं एलसी के, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए ग्लोबल लेवल पे कितनी तरह की एलसी चलती है, भारत में कौन सी लेटर ऑफ क्रेडिट ज्यादातर यूज होती है, भारत के बैंक्स यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और गाइज, आपने अगर हमें, हमारे व्यूअर हैं आप, आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी साइट, हमारी फेसबुक पेज बैंकिंग सूत्र से, हमारे पेज बैंकिंग सूत्र से, और हमारी साइट bankingsutra.net से, जहां पे हम जितने भी कंसेप्चुअल चीजों के वीडियोस बनाते हैं, एमसीक्यूज डालते हैं,
एमसीक्यूज के पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे वहां पे, और भी बहुत से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिल जाएंगे। तो रेगुलर आप हमारे इस साइट पे विजिट करते रहिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल के लिए। तो गाइस थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।